3 BHK हाउस प्लान। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। यहाँ पर जो देखिए स्टार्टिंग में आउटसाइड वॉल, यहाँ पर भी आउटसाइड वॉल, तो 5 इंच का आउटसाइड वॉल यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है। 125 mm वाइड 5 इंच वॉल, और इनसाइड इंटरनल पार्टीशन वॉल 125 mm, मिलीमीटर में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको 5 इंच में आप कन्वर्ट हो जाएगा आपको। तो आउटर वॉल, इंटरनल और आउटर वॉल 125 mm वाइड वॉल, ओके। एंड नाउ आउटसाइड वॉल एंड दिस इज वॉल, ओके। एंड दिस इज इंटरनल पार्टीशन वॉल एंड इंटरनल पार्टीशन वॉल 125 mm इंटरनल पार्टीशन वॉल एंड दिस इज इंटरनल पार्टीशन वॉल। तो इस प्लान में हमने जो रखा है 2 बेडरूम एंड 1 स्टडी रूम। तो स्टडी रूम जो है उसके साथ हमने एक अटैच टॉयलेट और एक अटैच टॉयलेट रखा है। और यहाँ पर जो है हमने बाकी डिटेल्स जो यहाँ पर हमने दिखाया है तो वो भी हम दिखाएंगे। चलिए तो इसके बाद हम जाएंगे डोर। तो इसमें देखिए यहाँ पर हमने डोर ऐड कर दिया है, यहाँ पर हमने डोर प्रोवाइड कर दिया है देखिए ऐसे, और इधर भी हमने डोर प्रोवाइड कर दिया है ऐसे, ओके। तो इधर भी हमने डोर ऐसे प्रोवाइड किया है, ओके। नेक्स्ट हम इधर भी एक डोर प्रोवाइड कर दिया है ऐसे, और इधर एक वॉल मिसिंग हो गया था तो वॉल हम यहाँ पर ऐड कर दिया है। और नेक्स्ट हमारा इधर आएगा एक डोर 3 फीट वाइड डोर, और इधर आएगा ओके ऐसा डोर। नेक्स्ट उसके बाद जो है विंडो, इधर देखिए ऐसे आएगा विंडो। तो डोर के बाद विंडो, विंडो कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर भी विंडो आएगा, यहाँ पर आएगा वेंटिलेशन, दिस इज़ वेंटिलेशन, ओके। और उसके बाद इधर आएगा और एक विंडो। विंडो अगर आउटसाइड में आपका ब्लॉक है साइड, तो आप डक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, डक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और इधर देखिए इधर भी है, ठीक है। उसके बाद तो इधर आएगा हमारा जो इधर एक विंडो, ओके। तो इंटरनल विंडो हमने यहाँ पर यूज़ किया है, इंटरनल पार्ट, और इधर भी एक विंडो हमने प्रोवाइड किया है जिसका देखिए यहाँ पर। तो आउटसाइड में आपके पास विंडो और कोई वेंटिलेशन का ऑप्शन नहीं आएगा तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक डक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा डोर, मेन डोर घर के अंदर जाने का। नेक्स्ट हम जाएंगे इसका जो कॉलम है उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आएगा देखिए ऐसे कॉलम, तो कॉलम पोजीशन हम पहले ऐड करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे बिल्डिंग का डिटेलिंग पर। तो यहाँ पर देखिए ऐसे हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर हम कॉलम प्रोवाइड करेंगे। तो डिस्टल नॉइज़ हम कॉलम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉलम प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर कॉलम, यहाँ पर आएगा कॉलम और यहाँ पर आएगा कॉलम। बाकी आपको अगर कुछ ऐड करना है कॉलम का पोजीशन तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो दिखाएंगे इसका डिटेलिंग पर, तो डिटेलिंग क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जो है 19 फीट 0 इंच इस साइड में, और इस साइड में 40 फीट 0 इंच, ओके। तो यहाँ पर आएगा 19 फीट × 40 फीट इजिकल टू 760 स्क्वायर फीट हाउस प्लान, ओके, स्क्वायर फीट हाउस प्लान। और इसमें इस प्लान में हम जो स्टार्टिंग में यहाँ पर आएगा गेट स्टेयर के नीचे से, के स्टेयर इधर से आप आ जाएगा स्टेयर, तो इधर आएगा 3 फीट वाइड, ओके, इधर आएगा 3 फीट वाइड, ओके, और इधर आएगा 3 फीट वाइड, ऐसे लैंडिंग आएगा। तो इसमें जो है 7 फीट 9 इंच का गैप है, इधर 7 फीट 9 इंच का गैप टोटल, और इधर जो आएगा 12 फीट 2 इंच, ओके। तो 12 फीट से हम यहाँ पर 3 फीट 9 फीट 2 इंच आएगा इधर टोटल डिस्टेंस, ओके। नेक्स्ट स्टेयर के नीचे से हम अंदर जाएंगे तो इधर से आएगा एंट्री, ओके, बेसिकली इधर से आएगा एंट्री। तो इधर जो है 10 इंच × 12 इंच का यहाँ पर देखिए कॉलम, यहाँ पर जो आउटसाइड वॉल है यहाँ पर 5 इंच का वॉल, इनसाइड में भी 5 इंच का वॉल आएगा, इनसाइड में भी 5 इंच की वॉल हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो
अंदर आने के बाद यहाँ पर आएगा डाइनिंग प्लस ड्राइंग एरिया। ओके, डाइनिंग प्लस ड्राइंग, NIDINING आएगा, यहाँ पर आउट हो जाएगा। तो डाइनिंग प्लस ड्राइंग, इसका टोटल डिस्टेंस आएगा 11 फीट 2 इंच, और इधर जो डिस्टेंस आएगा इधर 11 फीट 8 इंच, इधर डिस्टेंस आएगा, ठीक है। इधर उसके बाद जो आएगा इधर एक डोर, डोर में जो आएगा यहाँ पर एक बेडरूम। ओके, यहाँ पर एक बेडरूम, तो बेडरूम का जो साइज यहाँ पर आएगा 10 फीट। ओके, और इधर आएगा 10 फीट, और डोर यहाँ पर आएगा किचन, किचन तो किचन 6 फीट 7 इंच, और इधर 8 फीट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आएगा एक वॉश एरिया। ओके, वॉश एरिया जिसका डिस्टेंस है 3 फीट 6 इंच वाइड। यहाँ पर डोर, यहाँ पर डोर, यहाँ पर डोर आएगा, यहाँ पर डोर, यहाँ पर डोर। तो इसके बाद यहाँ पर आएगा एक बेडरूम। ओके, यहाँ पर आएगा बेडरूम। ओके, तो बेडरूम का डिस्टेंस आएगा यहाँ पर 10 फीट बाई 10 फीट, जो डिस्टेंस मैंने रखा था 10 फीट, और इधर आएगा 10 फीट। ओके, नेक्स्ट इधर बाथ प्लस लेटरिन, तो इसका 4 फीट बाई 6 फीट का रहेगा इसका डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट आएगा यहाँ पर स्टडी प्लस बेड। एक बेड आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 7 फीट 9 इंच, तो आप सोचिए इसमें बेड आप कैसे सेट करेंगे। 6 फीट इंटू 7 फीट का बेड यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद इसके साथ देखिए एक टॉयलेट यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है, टॉयलेट इधर भी एक टॉयलेट ऐड कर दिया है। तो इस टॉयलेट का डिस्टेंस 4 फीट, और इस टॉयलेट का डिस्टेंस 5 फीट 7 इंच, और इधर डिस्टेंस 4 फीट 6 इंच। ओके, तो इधर भी बेसिकली रहेगा 4 फीट 6 इंच। ओके, इस टॉयलेट का। तो उसके बाद देखिए इधर जो डिस्टेंस हमने रखा है 760 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान में, तो हमने देखिए 1 बेडरूम 2 बेडरूम और इसके साथ 3 बेड का मिस्टरी यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसका टोटल कॉस्ट आएगा, कॉस्ट बिल्डिंग कॉस्ट जो आएगा इधर 10 टू 12 लाख्स। ओके, 10 टू 12 लाख्स आएगा। और वीडियो में कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी ऐड करना है, तो यहाँ पर फ्रंट साइड आएगा। ओके, फ्रंट साइड इधर भी रहेगा 19 फीट, और इधर रहेगा, इधर भी रहेगा 40 फीट। ओके, तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना।